अब मैं पनीर बिरयानी बनाने जा रही हूँ। 200 ग्राम पनीर ली हूँ, इसको हम काट लेंगे अच्छे तरह से, छोटे छोटे फांक बना लेंगे। देखिए छुरी से काट लिए हैं पनीर को, मेरा पनीर है जो सब छोटे छोटे में काटेंगे, ताकि बिरयानी में है जो सारा में सारा लोग खा सके, इसलिए छोटे छोटे काटे हैं। देखिए हम 6-7-8 प्याज है छोटा छोटा मीडियम साइज का, इसको हम सारे को छील लेंगे, अच्छी तरह से छीलते जाएंगे। छुरी के सहारे से हम सारे प्याज को छील रहे हैं। छिला गया है, मैं धो लेती हूँ, इसको धो लिए हैं। इसको हम प्याज को काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में हम इसको, ज्यादा महीन नहीं ना ज्यादा मोटा काटेंगे इसको। देखिए छुरी से मेरा इस तरह से प्याज कटेगा, देखिए काट रही हूँ जिस तरह से काटिएगा। मेरा सारा प्याज है जो कट चुका है, पनीर है उसको, टमाटर है जो हम टमाटर को भी काट लेंगे। तीन गो टमाटर, छोटा छोटा साइज का टमाटर हम लिए हैं जो काट लिए हैं। अब हम जार लेंगे, 6-7 हरी मिर्च लिए हैं, 2 फुट लहसुन लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिए हैं, 1 चम्मच गोलकी ले लिए हैं, धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी ले लेंगे, इसको हम 1/2 गिलास पानी मिल लिए हैं, इसको हम जार में पीस रहे हैं इसको, और थोड़ा पानी डालेंगे इसको, कम पड़ रहा पानी, इसको हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे, 1 चोटी डालेंगे दोस्तों तो पानी बाहर निकल जाएगा, इसीलिए हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे मसाले में। साइड साइड में सटा हुआ है, इसको छुड़ा लिए चम्मच से, इसको फिर जाके हम पीस लेंगे। मोटा है, एक बार और पीस लेते हैं, देख लेंगे खोल के कि मेरा पिसा गया है कि नहीं। देखिए अब मेरा मसाला है जो पीस गया है, तो इसको हम टमाटर को भी पीस लेंगे। सारे मसालों को हम पहले पीस के रख लेती हूँ। देखिए मसाला मेरा, टमाटर भी पीसा गया है। अब हम एक कढ़ाई लेके गैस चालू किए हैं, इसमें हम 2 चम्मच घी डाले हैं। घी में हम घी डाले हैं, हम इसको पनीर को हम तल लेंगे, पनीर को हम घी में तल लेंगे। अभी और है जो मेरा कढ़ाई है जो गर्म होगा, थोड़ा सा टुकड़े डाल के हम देख लेते हैं। अभी भी मेरा है जो बढ़िया तरह से कढ़ाई टिका नहीं है, इसलिए पूरा तेज धीक जाएगा, तब हम इसको बारीक से हम सारे को पनीर को डाल देंगे। सारे पनीर को हम इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। डालने के बाद है जो भूनेंगे, पनीर को हम थोड़ा हल्का भून लेंगे घी में, घी में या रिफाइंड में भी भून सकते हैं या कड़वा तेल में भी भून सकते हैं,
मैंने तो घी डाली हूँ इसको भूनने के लिए। घी से अच्छा स्वाद आता है इसलिए हमें घी डाले हैं। पनीर सब भुजा गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। सट गया है दोस्तों पनीर है जो, तो हम सारे पनीर को निकाल लिए हैं। इसमें हम थोड़ा एक चम्मच और घी लिए हैं, एक चम्मच हम जीरा लिए हैं, इसको जीरा को हम ब्राउन होने तक ला हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद तेज पत्ता डालेंगे, दो तेज पत्ता है इसमें। इसमें हरी मिर्च है, 4 से 5 हरी मिर्च है, ज़्यादा भी ले सकते हैं। लौंग है, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, गोलकी है, सबको हम डाल देंगे। तो डाल करके मेरा हो गया है। देखिए हल्दी डाल देते हैं कि ताकि हम सब्जी को भूंजे तो छटके नहीं बाहर। हल्दी डालने से छटकता नहीं है दोस्तों। ये प्याज है जो हम इसको में भून देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक ला हम इसको भूनते रहेंगे। अब चलाते रहेंगे, अच्छे तरह से हम चलाते रहेंगे। देखिए हम चला रहे हैं प्याज को, चलाते रहेंगे, उसका प्याज सीझ जाएगी। तरे ऊपरे हो जाता है प्याज को, सारे प्याज एक साइड से सीझेगा अगर चलाते रहेंगे तो। अगर छोड़ देंगे तो अंदर वाला जल जाएगा, ऊपर वाला कच्चा रह जाएगा, इसीलिए इसको हम चलाते ही रहेंगे प्याज को। तेल कम पड़ रही है थी घी, इसलिए एक चम्मच और घी हम डाल दिए हैं ताकि प्याज भी मेरा अच्छे तरह से भून सकते हैं। ये कड़वा तेल भी आप डाल सकते हैं, घी है तो घी डालिए, नहीं तो कड़वा तेल में भी बना सकते हैं, सब्जी को भून सकते हैं। देखिए अच्छे तरह से हम इसको चलाते हैं, चलाते रहेंगे दोस्तों। ये हम 2 चम्मच और ऐड कर दिए हैं ताकि मेरा घी है जो इसमें कम पड़ रहा था, तो इसे 2 चम्मच डाल दिए। इसको देखिए देखिए मेरा घी जामा हो जा रहा है। अब है जो हम इसमें घी नहीं डालेंगे, इसको हम भूनते रहेंगे। देखिए 2 चम्मच हम नमक डाल दिए हैं ताकि प्याज और अच्छे तरह से गल जाए। नमक डालने से प्याज में पानी छूटता है और अच्छे तरह से सीझ भी जाता है। प्याज को हम भूनते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। अब मेरा प्याज है जो सीज गया है, देखिए घी है जो छोड़ने लगा है। देखिए साइड से हम इसको घी निकाल के छान के निकाल लेंगे। आधे को हम छोड़ दिए हैं, आधा को हम प्याज छोड़ दिए हैं, आधा निकाल लिए हैं। इसमें हम मसाले डालेंगे जो पीसे थे, मसाला पीस के रखे थे उसको हम डाल दिए हैं। इसको भी हम अच्छे तरह से हम भूनेंगे।
ताकि मेरे लहसुन है जो भुंजा जाए, उसमें महक आने लगा। भुंजाने से ना अच्छा महक आता है लहसुन का, धम धम करेगा लहसुन भुंजाने से। इसीलिए हम इसको अच्छा तरह से भूंजेंगे। देखिए मेरा है जो मसाला भी भुंजा गया है। अब इसमें हम अच्छे तरह से, देखिए भुंजा गया है मेरा मसाला। अब इसमें हम टमाटर की भी डाल करके, पेस्ट जो टमाटर को पीसे थे उसको हम डाल दिए हैं। अब इसको हम भूंजेंगे, इसको भी हम थोड़ा देर भूंजेंगे, एक दो मिनट तक। ताकि प्याज है जो, टमाटर है जो भुंजा जाए। टमाटर है जो मसाले में मिल गया है, इसीलिए टमाटर का अगर खड़े डालेंगे दोस्तों तो बच्चा निकाल देता है। इसको हम चावल को भी हम नाप के धो लेते हैं। जितना गिलास आपको बनाना है, हम मैंने तो 2 गिलास बनाऊंगी 4 आदमी के लिए, 2 गिलास चावल लेंगे। थोड़ा सा है इसमें, 2 गिलास थोड़ा सा है, इसको भी हम डाल ही देते हैं। यानी 2.5 गिलास है मेरा चावल, इसको हम धो लिए हैं बढ़िया तरह से, देखिए। और इसको हम थोड़ा देर रख देते हैं, ढक के रख दिए। अब इसको मसाले को हम भूंजेंगे। निकल दी, कुकर चढ़ाए हैं, मसाला को हम अंदर में कुकर में हम डाल लेंगे। कढ़ाई को हम साइड रख देते हैं, पानी कढ़ाई में डाल दिए हैं कि ताकि है जो जितना घी है गर्म धोवा जाए। अब कुकर में पानी डाल दिए हैं, चावल को भी हम इसमें डाल देंगे, सारे चावल को डाल देंगे। मिला दिए हैं इसको चावल को। लल्ला के बाद में हम इसमें 3 गिलास पानी डाले थे दोस्तों। इसको हम सारे प्याज को और पनीर को हम डाल के चला देते हैं ताकि मिल जाए। गिलास हम 3 गिलास, 2.5 गिलास चावल था तो इसमें हम 3 गिलास पानी डालें। इसको हम ढक के एक सीटी मारेगा तो हम उतार लेंगे, ज्यादा नहीं मारेंगे, एक सीटी मारने तक ला हम इसको। देखिए धनिया का पत्ता हम डाल देते हैं ऊपर से। धनिया का पत्ता हम डाल दिए हैं, इसको हम भी चला देते हैं। चलेला का कुकर को हम ढक देते हैं, एक सीटी मारने तक ला हम इसको छोड़ेंगे, एक सीटी से ज्यादा हम नहीं मराएंगे। दिव्यानी मसाला है इसको भी हम ऐड कर देते हैं। बिरयानी मसाला को हम इसमें डाल दिए हैं, चला दिए हैं। एक सीटी मार दिया है, इसको हम गैस पर से उतार लेंगे। देखिए मेरे बिरयानी है जो तैयारी हो गया है। देखिए मेरा बिरयानी है जो एकदम परफेक्ट है, जो बिरयानी मेरा पनीर बिरयानी तैयारी हो गया है। प्लेट में निकाल लिए हैं, देखिए अचार के साथ।
इसमें चटनी भी रख सकते हैं, सलाद भी रख सकते हैं। अच्छे तरह से परफेक्ट तैयारी हो गया है। देखिए मेरा पनीर बिरयानी तैयारी हो गया है।